आप सबकी हिदमत में मेरा बहुत सा शाम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। चलें आज हम बनाएंगे डलगोना। डलगोना बनाने के लिए जो चीजें हमें चाहिए वो ये हैं। हमें चाहिए कॉफी, नेस्कॉफी है हमारे पास। हमें चाहिए चीनी, पानी, विक्स। अगर आप विक्स यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, आप फोक भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए दूध और आइस क्यूब्स। आज हम बनाएंगे डलगोना। डलगोना बनाने के लिए मेरा और मेरे भतीजे का कंपटीशन है। हम लोग देखते हैं कौन डलगोना जल्दी और अच्छा बनाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हमें चाहिए एक चम्मच कॉफी, टेबलस्पून हमने कॉफी ली है एक, एक ही टेबलस्पून हम लेंगे चीनी का, और एक ही टेबलस्पून हम लेंगे पानी। और हम लोग इसको अच्छे तरीके से, अभी मेरी भतीजी डाल रही है इसमें पानी। आप लोग विक्स लें, बीटर लें, फोक लें, किसी भी चीज के साथ आप लोग उसको बीट कर सकते हैं। आपने तब तक उसको बीट करना है जब तक उसकी क्रीमी शेप ना आ जाए। इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं अभी इसका कलर डार्क है। बीट कर करके हम इसका कलर बिल्कुल क्रीमी शेप में, लाइट ब्राउन इसका कलर हो जाएगा बीट करने के बाद। हम लोग उसको बीट करते जाएंगे मुसलसल, अपने हाथ चलाते रहना है। हम लोग इसमें हाथ को अपने को रोकेंगे नहीं, हम लोग उसको, आप लोग देख सकते हैं ये झाग की सूरत में हो रही है। हम लोग उसको बीट करते जाएंगे जब तक ये पूरी फॉर्मिंग शेप में ना आ जाए। ये पूरी फॉर्मिंग शेप में आ जाएगी। ये आप लोग देख रहे हैं कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो रहा है और ये फॉर्मिंग शेप में आ रही है। हम लोग जैसे इसको क्रीमी शेप में ले आएंगे, इसको इतना बीट करेंगे हम लोग। ये आप लोग देख सकते हैं मेरी भतीजी भी उसी साइड पर बीट कर रही है। उसे ये कंपटीशन में ले रखा है फूफो। हम लोग देखेंगे कि किसकी अच्छी बनेगी। ये आप लोग देख सकते हैं कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। आप लोग देखें कॉफी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल ये फॉर्मिंग शेप में आ गई है, ये क्रीमी शेप में हो गई है। बस इसको और हम 2 मिनट बीट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको डालेंगे दूध में। ये आप लोग देख सकते हैं कि कॉफी को हमने अच्छे तरीके से बीट कर ली, ये क्रीमी शेप में आ चुकी है। हम लोग इसको 25 से 20 मिनट के लिए इसको हमने मुसलसल बीट के हमने चम्मच को हिलाते जाना है। आप विक्स चाहे फोक लें चाहे चम्मच लें, जो भी आप लें उसको आपने 20 मिनट के लिए मुसलसल हिलाना है, उसको आपने रोकना नहीं है। तो फिर उसकी आप लोग देखेंगे ये क्रीमी शेप में आ जाएगी। ये आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं कॉफी को हमने बीट कर ली। ये कॉफी मेरी है और ये मेरी भतीजी की है। देख सकते हैं कॉफी हमने बीट कर ली। ये कॉफी मेरी है जो मैंने बीट की है, और ये शहर की है जो शहर ने बीट की है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारी बीटिंग कैसी लगी। चलिए हम नेक्स्ट अपना प्रोसीजर करेंगे। हम लोग लेंगे ग्लासों में दूध। हम लोग उसमें डालेंगे, देन हम उसमें डालेंगे क्यूब्स। और अभी फाइनली हम इसमें जो हमने कॉफी बीट की है इसको हम इसमें, अभी हम जो कॉफी हमने बीट की है उसको हम इसमें ऐड करेंगे। आज की हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जेसिका और हेजल, जो कि हमारी भतीजियां हैं। उनको हम टेस्ट करवाएंगे डलगोना। अभी हमारे गेस्ट हमें टेस्ट करके बताएंगे कि डलगोना कैसा बना है। चलिए जेसिका हेजल आप टेस्ट करके बताएं। बहुत
वाह दीदी, वेरी टेस्टी। वाह पापा, वाह वेरी टेस्टी। दीदी मजा ही आ गया। बच्चों के ड्रिंक को पड़ गई चोर। वाह मजा ही आ गया। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है आहि बनोज। आहि कैसा बना है? मामा को बताओ कैसा बना है। चल बोल अब मजा आ गया। मजा आ गया। और पीने? आहि भी और पीने?